और चलिए बात कर रहे हैं मिशन मून की, तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज शाम को मुख्यमंत्री निवास पर स्कूली बच्चों के साथ टीवी पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखेंगे। और उनकी माने तो जब चांद पर पहली बार इंसान उतरा था तब वो एक ऐतिहासिक घटना को लेकर एक छात्र के रूप में बेहद उत्साहित थे। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन के रूप में भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन लॉन्च हुआ था। 2009 में यह सफल मिशन समाप्त हुआ था। उसके बाद उसके 10 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उस वक्त लैंडिंग से महज कुछ मिनट पहले ही उसका संपर्क टूट गया था। लेकिन इस बार देशवासियों को पूरा विश्वास है, 23 अगस्त यानी कि आज चंद्रयान 3 के रूप में इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशि, आज भारत इतिहास रचेगा जब चांद पर तिरंगा फहराएगा चंद्रयान, तो ऐसे में अब पूरे देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज जो है बच्चों के साथ इस चंद्रयान की जो लैंडिंग है वो देखेंगे। कितना खास वो मौका रहने वाला है अंकुर? मौका कितना खास रहेगा इसकी तुलना तो किसी दूसरी चीज से की नहीं जा सकती, क्योंकि ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। साउथ पोल पर चांद के हिंदुस्तान उतरेगा, और एक तरीके से अगर इसको कहा जाए सीधे शब्दों में तो आज पूरा देश चांद पर होगा जी। क्योंकि ये उपलब्धि इसरो की है, ये बात सही है, भारत के वैज्ञानिकों की है, लेकिन इस उपलब्धि से पूरा देश अपना जुड़ाव महसूस कर रहा है। आप देखिए, कई बार कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, खान पान, इन मुद्दों पर देश के लोगों की राय बढ़ जाती है, चाहे वो क्रिकेट हो उस पर भी राय बढ़ जाती है, लेकिन इस पर कोई राय कहीं नहीं बटी है और पूरा देश इस चीज से उत्साहित है, खुश है, आह्लादित है। और आज भारत चांद फतेह करेगा। शाम को 6:04 पर जब रोवर प्रज्ञान अलग होगा, लैंडर पहुंचेगा, उसके बाद में 2 घंटे बाद में रोवर प्रज्ञान निकलेगा और वो चांद की जानकारियां भेजेगा, तो आगे भविष्य में चांद की स्टडी करने के लिए और ज्यादा सहूलियत हो सकेगी। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि रूस ने अपना मिशन लूना भेजा, वो भी उतर रहा था लेकिन उसकी क्रैश हो गया वो जी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरी घटना के साक्षी होंगे। वो मुख्यमंत्री आवास पर स्कूली बच्चों के साथ टेलीविजन पर इस लैंडिंग को देखेंगे जी। और मुख्यमंत्री ने जब इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वो समय भी ध्यान है जब 1969 में चांद पर इंसान पहुंचा था। उनका कहना है कि तब वो एक स्टूडेंट के रूप में उस घटना को देखने के लिए, उसको समझने के लिए उत्साहित थे। और एक संयोग है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल है और चांद का मिशन भी हिंदुस्तान की तरफ से तीसरा है। चंद्रयान पहला 2009 में गया था, अक्टूबर 2009 में चंद्रयान पहला लॉन्च हुआ, उसकी जो स्टडी थी वो अपनी स्टडीज में सफल रहा। दूसरा मिशन जो था वो 2019 में हुआ, हालांकि वो भी तकनीकी कारणों से, स्पीड कंट्रोल नहीं करने के कारण से क्रैश हो गया, जैसे इस बार रूस का मिशन लूना क्रैश हुआ। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है इसरो के जो पूर्व निदेशक हैं के सिवन, उन्होंने भी कहा है कि पिछली जो गलतियां हुई या चूक हुई उससे बहुत कुछ सीखा है, अच्छी चीजें और कैसे स्पीड कंट्रोल करनी है। तो आज भारत चांद पर होगा, बहुत उत्साहित रहेंगे लोग और मुख्यमंत्री भी इसके साक्षी बनेंगे स्टूडेंट्स के साथ, आप और हम सब भी इस घटना के साक्षी बने। बिल्कुल बिल्कुल शशि, आप और हम और पूरी दुनिया, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भी इस पल की साक्षी बनेगी जब चांद पर हम सभी होंगे, पूरा भारत चांद पर होगा और चांद पर हमारा तिरंगा लहराएगा। चलिए शशि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।